बाकी तो तुम्हारी फाइल ठीक है तमन्ना। अब ओके सर, ना थोड़ा बहुत उसे रिफाइन कर देना, मुझे बताया ना। बाकी तुम्हारी तो ऑलमोस्ट हो गई, ठीक एक बार देख लेता हूँ एक चीज और देखेंगे इसमें। यहाँ वाला पार्ट नहीं बनाया ना तुमने, पर स्मूथली मारा नहीं तो अभी नहीं बनाया, पहले स्मूथली मार इतना सही हो दिया। जाता फिर बना देती। अब तुमने तो स्मूथ मार दिया, अब तो उससे दूसरा वाला भी तो है। हाँ उसमें करके एक्सट्रूड वगैरह करके बना लेना ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद वो जो ठीक लेदर ऐसे बंद हो रही थी, यही है। और तुम्हारा पीछे से कर्व नहीं है, ये कर्व होगा, ये राउंड में आएंगे ऐसे गोल जाएगा ना ये, पर ये ऐसे आ रहा है। यहाँ यहाँ कॉर्नर बनने हैं ना, ये कॉर्नर नहीं बनना, ठीक ये राउंड जाने हैं। उसका मैच दिखाओ तुम ना मेरे, ये है ना मैच, ये राउंड जाने हैं एक्चुअल में, ऐसे नहीं जाना है। मैं एक लास्ट बार आपको करके दे दूंगी फिर से। ये जाना ही नहीं है मैच ऐसे कुछ। ये घूमेंगे एजिस, क्वाड उसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे घूमेंगे जिस ठीक है ना, ये राउंड हो जाएगी ना ऐसे यहाँ पे। थोड़ा सा अंदर अंदर खड़ा था ना, इसे यहाँ पे रखो ऐसे। ये सारे राउंड कर देना, हाँ देखो थ्री दबाने पे वो कर्व बन जा रहा है, वैसी एज नहीं आ रही कॉर्नर वाली, क्योंकि वो एज लूप है ना ऐसे करके घूम गया जब तुम डबल क्लिक कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना ये कर्व बने लास्ट में।
फूड दे दो जो पर्सन और थ्री दबा के देख लो अब नहीं बन गई ना मैच बस ये ऊपर नीचे थोड़े बहुत और रखें इन्हें ठीक कर लेना एवरेज वर्टेक्स इसे ऑब्जेक्ट मोड कर दो ये सारे फेस वगैरह डिलीट करके इस वाले कर्वेचर को ठीक कर लेना तो बाकी ठीक है और यहाँ से ये वाले फेस डिलीट करके यहाँ से यहाँ तक और फिर एक्सट्रूड कर देना इसे या फिर ब्रिज कर दो हम तो इतने तरीके बता रखे हैं ऐसे डाल लो कर्व टाइप कर दो और डायरेक्शन नीचे आ रहा है एजिस पकड़ ली ब्रिज में जाओ यहाँ पे स्मूथ पाथ फिर कर्व होगा इस पे ब्रिज कर दो डिवीजन दे दो फाइव दबाओ कर्व मिल गया कर्व को पकड़ के कर्व के ऑप्शन आ जाएंगे कंट्रोल वर्टेक्स इसे पकड़ो फोर दबाओ इसे भी पकड़ लो इन्हें ऊपर कर दो फिर इसके आगे मैं कर लूंगी अब ठीक है इसे ऊपर कर लेना कंट्रोल एंड डोन से कंट्रोल हो डिलीट ये तो अभी खराब है अंशुल ठीक नहीं सर वो वीडियो अपलोड नहीं हुई अभी अच्छा हो ही नहीं अब तक अपलोड वो सर को कहा था मैंने सर का रिप्लाई आया था विल डू इट सून तो जब तक मैंने चेक किया था तब तक तो नहीं अच्छा चलो कोई नहीं खुद पन्ना ऐसे मत रहे करो कि वीडियो पे डिपेंड अब तो इतनी चीजें बताई हैं तो खुद से ना ट्राई करे करो अब क्या क्लास के बाद जैसे वीडियो जब तक सर किया था मैंने वो एक अजीब सा सिल्वेट आ रहा था उसके अंदर अच्छा चलो फिर जैसे 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 कागज फटा होता है वैसा दिख रहा था अभी ऐसे दिख रहा है ना ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है जो इसके सामने आ रही है ठीक है ना ये चीजें खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी तुम्हें तो उसके लिए करोगे पहले तो ये वाली आज हटा दो एक्स्ट्रा लग रही है यहाँ पे उसके बाद यहाँ वर्टेक्स पकड़ लो सारी मर्ज कर दो मर्ज हो गई एक्स्ट्रा ये वाली भी आज हटा दो ये वर्टेक्स पकड़ो इससे स्नैप करा दो सीधी हो गई फिर उसके बाद ये एज भी डिलीट उसके बाद ये एज डिलीट कर दो ये वर्टेक्स इसके सामने ले आओ फेस पकड़ो डिलीट बीच के यहाँ से यहाँ तक ब्रिज कर दो इसे डिलीट ब्रिज हो गई ब्रिज की प्रॉपर्टी और की है वापिस करो रीसेट ब्रिज डबल क्लिक फिल होल ठीक है ये आज यहाँ पे वर्टेक्स मोड पे जाओ मर्ज यहाँ पे टारगेट वर्ल्ड लो इससे वर्ल्ड कर दो इसे इस आज को डिलीट इस आज को पकड़ के डबल क्लिक करके डिलीट कर दो इसको भी पकड़ के अभी डिलीट कर दो
ये दोनों भी यार डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मल्टीकट से आई लगाओ, कनेक्ट इससे कर दो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पकड़ो, स्केल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्नैप करा दो इससे, हो गया सर। और ये वाले भी कनेक्ट होंगे, यहाँ पे सीधी दबा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फेज है, स्केल करूँ अंदर की तरफ, ये रह जा रही है एक्स्ट्रा। थ्री दबाओ, यहाँ से यहाँ तक पकड़ लो, यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए बोले थ्री दबा के देख ले करो, वहां पे तो कोई गैस तो ये जा रही है, वो हार्ड हो रही है बिना सपोर्टिंग के, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फेज हो गई। अब स्केल कर रहा हूँ तो ये आ गई एज। सर 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 एक सेकंड, हार्ड हो रही है बिना सपोर्टिंग के तो एक्स्ट्रा फेज बने, क्या मतलब? जैसे कि अब थ्री दबाया मैंने, थ्री दबा के देखता हूँ, यहाँ पे तो इतनी शार्प हो गई है, अजीब सी हो रखी है, और यहाँ पे स्मूथ है, और ये फिर से स्मूथ हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे स्मूथ है, आते आते हार्ड हो गई, हार्ड हो गई, फिर से यहाँ पे हार्ड हो गई, फिर स्मूथ हो गई, ऐसा क्यों? सपोर्टिंग एज तो हमने तब भी नहीं लगाई इधर की तरफ, बार बार ही तो लगाई है, तो जितना यहाँ पे हार्ड हो रहा था उतना ही अंदर भी होना था। और थ्री दबा रहा हूँ देख रहे हो, वन में यहाँ पे देख रहे हो एक और दो एज दिख रही है, और ऊपर भी एक और दो, थ्री दबा रहा हूँ तो एक दो तीन, और यहाँ पे भी एक दो तीन, ये तीन अंदर की एज नहीं आ रही है एक्स्ट्रा, थ्री दबा रहा दिख रही है, और वो थ्री दबाओगे तो वैसे दिख जाएगा मॉडल में इतनी दूर से, कि अच्छा यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एज वगैरह कुछ है, फिर क्लिक करो उस पर वायर फ्रेम में, दिखता रही है एक्स्ट्रा एज आ रही है, ये जो जा रही है यहाँ से, यहाँ पे जैसे थ्री में ही पकड़ लो, वन में इसलिए नहीं दिख रही, वो एक के ऊपर एक है बिल्कुल, अभी नहीं स्केल करोगे ना हल्का सा, देखो वहीं से निकल लिए ये एक्स्ट्रा एज, और अंदर की तरफ स्केल करो, ये देखो ये पकड़ो, डिलीट कर दो, अब देख रहे हो बराबर आ रहा है स्मूथ, उसे डिलीट कर दे, जो यहाँ था वो यहाँ पे भी है, पहले अगर अंडू करता मैं तो हार्ड था, ऐसे था ना पहले तो, अब मैं एज पकड़ लूं तो अभी अंदर वाली जो एक्स्ट्रा तीन तीन एज थी वो टाइम, हाँ अब मैं देखो ये एज हटाता हूँ, अभी तो ऐसे रखा है, एज हटाते ही वो स्मूथ हो गया, देखो अंडू करता हूँ मैं तो हार्ड हो गई, ये चीजें तो मैं खुद देखनी पड़ेंगी, ठीक है तो इस पर तो ये हार्ड एज कर दो, तो बंद कर दो, ठीक है। और ये बीच है रेफरेंस नहीं लगा रखा अभी, और ये बनाया तुमने मेरे ख्याल से ब्लेड पे तो काम करा नहीं तुमने, ये वैसे ही है सेम ब्लेड जो पहले भेजा था, हैंडल बनाया था मैंने पर। हैंडल में ये देख रहे खत्म, यहाँ पे खराब हो रहा है, ये जो बैबल मारा तुमने ठीक से नहीं मारा, बैबल गलत करा तुमने, इसको टॉप से देखता हूँ ना, टॉप से भी सीधा है, ये बैबल करा ना एक तो ये गलत है तुम्हारा, तो अंदर की आज पकड़ो यहाँ से यहाँ तक पूरी पकड़, ये पकड़ के डिलीट एज, इसे करो पहले मल्टी टू सेंटर, ये ऐसे ट्रायंगल वगैरह बनने हैं, ठीक करना तुम्हें पहले तो, ये मल्टी टू सेंटर, ये मल्टी टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद टारगेट वर्ल्ड, इससे वर्ल्ड ये डिलीट ही कर दो, ये एज ये इसके सामने आ तो रही है, यहाँ से यहाँ तक पकड़ो, स्केल करो, इसके सामने ले आओ इसे, फिर यहाँ से सही रहने दो, और ये ऐसे करके कनेक्ट नहीं होंगी, ये ऐसे जाएंगे मल्टी कट से, ऐसे ऐसे ये वाली है हटा दो, ये डिलीट, और आधा फेज डिलीट कर दो यहाँ से, पूरे पे क्यों काम करे, यहाँ से यहाँ पकड़ो डिलीट डिलीट,
ऊपर का डिलीट, नीचे का आ गया, इसे ठीक कर लेते हैं। इसे पकड़ो, ये डिलीट डिलीट, मर्ज मर्ज टू सेंटर, मर्ज टू सेंटर, वर्टेक्स रह गई, टारगेट वेल्ड, ये वर्टेक्स से वेल्ड कर दो। ठीक है, ये ऐसे नहीं जाएंगी। ये वाली वर्टेक्स सीधा कनेक्ट हो गया ऐसे, यहाँ से यह जट जाएगी, ये सारे सीधे होने से आगे की तरफ, ये तीनों वर्टेक्स भी सीधी होंगी और इस पे स्नैप होंगी, सीधा ऐसे जाएंगे। नीचे की हटा दो, सीधा कनेक्ट करो इसे ऐसे, नीचे की हटा दो, ये भी सीधा कनेक्ट होगा ऐसे, नीचे की हटा दो, डिलीट करो, डिलीट इसे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वाड 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 क्वाड, ठीक है, यहाँ से एज पकड़ लो आगे की तरफ, एज आगे की तरफ, यहाँ पे वर्टेक्स ये वाली इससे कनेक्ट, ताकि ये और ये भी क्वाड रहे, हो गया। कंट्रोल डी माइनस वन में पकड़ो दोनों को और यहाँ कर दो कंबाइन, वर्टेक्स मर्ज वर्टेक्स, ये वाला थोड़ा सा आगे हो गया उधर ऐसे, ये भी आ गया, हो गया। वैसे तो यहाँ पे आना होगा, ये सारे फेस को कर लो, यहाँ पे रखो पाइवट, एक बार स्केल कर दो, अलाइन करके करना, इस फेस से अलाइन कर दो इसे, और अब स्केल कर लो, यहीं की यहीं स्केल हो जाएगा, स्केल और उसके बाद रोटेट टॉप से जाके, और उसके बाद स्केल कर देना इसे, हो गया। हम जो बीच में जो अजीब सा वो बंदा था वो खत्म हो गया ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए सारे फेस, ये जो सारे थे
यहाँ पर वो पाइवट कंट्रोल डी माइनस वन जेड में दोनों पकड़ लो कंबाइन ठीक है मर्ज वर्टेक्स वरना ये शेप भी थोड़ी खराब कर रखी है यहाँ टॉप में जाके ये एकदम से इतनी पिचक नहीं निकली ना यहाँ पे सर वो बीच बीच वाला पार्ट बनाते टाइम उसके हिसाब से बनाऊंगा क्या चीज जो इसके बीच में एक वो सर्कुलर पार्ट आएगा ना उसके हिसाब से आएगा तो आगे वाला ये हाँ उसके हिसाब से आएगा इसीलिए तो वो चीज मैंने पहले बनाई थी और ये थोड़े से ऐसे कर्व में थे ना ये हाँ सर ये कर्व में जो मिला ये कर्व में थे उसके बाद बेवल सेगमेंट ऐसे था ना कुछ ऐसे था एक्चुअल में ये तुम्हारा ज्यादा अंदर हो गया ये वाला पार्ट यहाँ पे एक आएगी एज ये कर लो सीधी ये देखिए बाहर इतना बाहर था वो कम से कम वो एकदम से तुमने पिचका दिया ना ये सही नहीं करा ये वाला भी बाहर होगा घटाओ ये वाली लेट ये यहाँ लाओ इसे स्केल करो लेट स्केल ऐसे रहेंगे उसके बाद ये बेवल एक सेगमेंट डेप्थ दे दो उसमें नहीं आ रही एक यहाँ लगा दो एक यहाँ लगा दो अंदर स्केल हार्डन एज ऐसे होनी थी वो ठीक है और ये वाले ज्यादा अंदर स्केल हो रहे हैं ये हटाओ डिलीट डिलीट ठीक है उसके बाद क्या करेंगे ना लोमा लाना ना यहाँ से यहाँ तक पकड़ लो एक तो इसे इससे कनेक्ट कर दो अरे यार क्रैश हो गया क्या लगता है चल गया लग रहा तुम्हारी फाइल गई सही ठीक है कर लेना ठीक जैसे बताया क्रैश कर देता हूँ तुम्हें
एक दो चीज हम नहीं बता देता हूँ वो देख लो। पहले जो जो पार्ट बनाए ना वो करो, तुमने ब्लेड का पीछे का पार्ट तो बना के ट्राई करते, ब्लेड से तो अलग ही था वो, उसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट बनेगा ना ये तुमने बनाया। सर उसके ऊपर कुछ स्नैप करवा रहे थे अपने जो देखा ना वो, तो फिर वो उसके हिसाब से जा रहा था। क्या भेजा यश? सर ये सेव नहीं हुआ था क्या? अरे सेव ही नहीं हुआ। अरे यार कल भी ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही दिख रहा है ना तुमने ये? तो ये दिख रहा है। हे भगवान। ऐसे था क्या? कर तो बड़ा भाई कर रहा है तुमने, इतनी जल्दी जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? इतनी करी क्या तुमने? ये कोलाइडर बनाया था ना? हाँ जी सर। यहाँ पर बताया था ना स्टिकनेस बढ़ा देना थोड़ी, वो इतनी जल्दी गिर रहा है ना अभी, ये तो बढ़ाओगे नहीं वो गिरेगा इतनी जल्दी क्लोथ, इसे बढ़ा दो। अब नहीं जा रहा ना वो नीचे? और इसे जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्टिक होगा, ये बढ़ा देता हूँ। यहाँ उठा दो, ये देखो अब नीचे ही नहीं गिरेगा, इसे बढ़ाने से हो रहा है। कम कर लो थोड़ा सा, मैं गया हूँ फिर से। ठीक है ऐसा ठीक है। जैसे करने के बाद इसे थ्री दबा दिया, इसे ना फिर कंट्रोल डी कर लो, ठीक है ना? कंट्रोल डी कर लिया और फिर यहाँ से क्लोथ वाले हटा दो, ये पकड़ के ये पकड़ो, ये क्लोथ डिलीट पेंट डिलीट, तुम्हारा मॉडल रह गया। अब फाइल भेजोगे तो मेरे को ऐसे दिखेगी ना? अच्छा ठीक है ना। बनने के बाद उसे कंट्रोल डी कर देना वहीं पर डुप्लीकेट, और उसके बाद ऊपर जाके जो गोले बनने होते हैं इन्हें पकड़ के डिलीट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा जो जोन सा भी क्लोथ होगा उस पर जाके उस पर क्लिक करो, डिलीट कर दो। ऐसे ही बने हुए ना ये प्लेन बनाया तो जो मैट्री है, ये पकड़ोगे तो ये क्लोथ वाले हैं, इन्हें डिलीट कर दो। तब भेजो फाइल मेरे को, जो फाइनल फाइल होगी वो तब दिखेगी। अब ये मॉडल बन जाएगा एक्चुअल में। ठीक है ये जूम स्पेस ले रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये देख रहे हो, ये क्लोथ डिलीट करा था उसके बाद ये भी रह गया उसके बाद, तो ये ऊपर ला रहा है। अब डिलीट करूंगा तो शायद इसमें से एक पॉली रह जाएगा, ये रह गया ना, तब भी वो इसलिए रह गया क्योंकि वो इससे लिंक है अब भी। ठीक है तो कैसे हटेगा? यहाँ पे जाओ डिस्प्ले में, शेप पे ऑन कर लो, शेप के अंदर होगा दो, एक ये इस वाले को पकड़ो, यहाँ से डिलीट कर दो, अब डिलीट हो जाएगा। अब आप दबाओगे ना तो इसी भी फोकस होगा, पहले उस पर हो रहा था। ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही गिराई थी तुमने या फिर वो नीचे गिर गई थी? सच बताना। सर ये ऐसे ही। हाँ तो जो इस वाले पे जो लगाया था तुमने, यहाँ पे एफएक्स में जाता हूँ मैं, एफएक्स में एंड क्लोथ में, ये जो कोलाइडर लगाया था तो कोलाइडर वाला ये था, इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें ना स्टिकनेस होती है, स्टिकीनेस कितना उसे स्टिक करेगा वो थोड़ा सा बढ़ा दो, नहीं तो वो एक नाली गिर जाएगा क्लोथ। ठीक है आपको लग जाएगा।
और ये जैसे कि गद्दा भी बना देना तो यहीं पे गद्दा भी बन जाता बढ़िया खासा, इतना सही। इसमें एजिस दे दो, एजिस बढ़ा के इसमें यहाँ पे प्रेशर दे दो, जैसे वो बनाया था तकिया, प्रेशर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है तुम्हें यहीं पे, ग्रेविटी थोड़ा सा, ग्रेविटी तो गिरेगा बेड पे उसके हिसाब से गिरा दो उसे बन जाएगा। हाँ बोलो। ये जो ब्लैंकेट टाइप जो भी बनाया है ये जैसे बहुत थिन है, अगर इसको थिक करना हो तो ये तो अकेला प्लेन गिरा है ना, इसकी जगह बॉक्स गिरा दो, नहीं तो अच्छा तब तो ऐसे करना पड़ेगा, एक्सट्रूड में खराब नहीं हो जाएगा, कैसे खराब होगा देखते हैं, ऐसे कैसे खराब होगा, हो गया एक्सट्रूड कहाँ हुआ खराब, डबल साइड दिख रहा है। और अब इसे गिराओगे ना एक्सट्रूड करके तो यहाँ पे ना क्लोथ में प्रॉपर्टी भी आती है, जैसे फिर से एंड क्लोथ लगाता हूँ उसमें, ठीक है एंड क्लोथ की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रीसेट बताए थे ना मैंने यहाँ पे, ये एंड क्लोथ में जाओ यहाँ इस पे लगा रखा है, किस पे लगा रखा है, एंड क्लोथ कोलिजन, ये रहे ना प्रीसेट सिल्क की तरह गिरे थिक, ये देखो थिक लेदर टी शर्ट बलून वाटर बलून सारे दे रखे ना, कैसा चाहिए हमें, ये बने बनाए हैं एयर बैग सारे, किसी पे भी जाके कितना परसेंट चाहिए, जैसे इतना परसेंट लगे वो हिसाब से तुम्हारा जो आउटपुट जिससे आ जाए वो करके देख लो तुम, तुम्हें क्या करना है ना, यहाँ पे दे रखे हैं सारी प्रॉपर्टी, जैसे क्लिक करोगे इनकी वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी, सिल्क वगैरह की तरह से, जैसे कि डायनेमिक वगैरह की, इन सब की बस वैल्यू चेंज होने से वो सिल्क बन जाता है और ये सब बन जाता है, ठीक है ना, ये बने बने प्रीसेट भी हैं यहाँ, एक्सट्रूड हो गया वन पैसा लग रहा है। और यहाँ पे तुम्हें वो चाहिए क्या फालतू की चीज होती है वो, ठीक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड, अब थ्री दबाओ देख रहे हो बॉर्डर ब्लैंकेट के होते हैं ना, वो नहीं तो वैसे सब हो जाता है, ठीक है बढ़िया है, कंट्रोल एंड डोंट से। एक छोटी सी और बता देता हूँ आज, बाकी तुम पहले ना इतना पीछे चल लो, अब देखो संडे है कल परसों मंडे है, दो दिन है कोई नहीं, अगर तुम्हें ना वीडियो वहां नहीं मिलती, जोन सी वीडियो चाहिए सीधा मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, मैं वीडियो क्या मेल भी कर दूंगा, पर बहाने नहीं चाहिए, ठीक है, तो एटलीस्ट नाइफ वगैरह जो भी है कुछ भी ट्यूजडे को क्लास होगी सीधा, बना के रखना है कोई एक चीज तैयार, पॉलीगन ले लिया कम से कम एक ऑप्शन तो बताओ, ऊपर ये बढ़ा दो स्केल कर दो, ठीक है अच्छा ऊपर लाने के बाद यहां से बढ़ा लेते हैं हाइट विड्थ, इतनी कर लेते हैं विड्थ, इतनी कर लेते हैं हाइट थोड़ी सी कम, विड्थ थोड़ी सी और ज्यादा इसमें दे दो सी, ठीक है वर्टेक्स पकड़ो ये दो पकड़ी, पहले तो मैं क्या बता रहा था बॉक्स लगा लगा के करने थे ना, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एंड कंस्टेंट में आता है यहाँ पे, पहले तो आ रहा था पॉइंट टू सरफेस ये वाला यूज कर रहा था, यहाँ पे आता है एक और ट्रांसफॉर्म कंस्टेंट, इस पे क्लिक कर दो, अरे ये ऐसे नहीं करेगा, पहले ना इसे क्लोथ बनाना पड़ेगा, एंड क्लोथ ग्रेट एंड क्लोथ, उसके बाद ये वर्टेक्स पकड़ी दो यहाँ पे जाओ एंड कंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म, तो ऐसे बन जाएगा ये स्टार, ये आ गया ना प्लस, फिर थोड़ी दूरी पे जाओ यहाँ कुछ पकड़ लो
यहाँ पे जाओ फिर से बना लो, फिर थोड़ी दूरी पे यहाँ पकड़ लो, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्म। ये जैसे बिना बॉक्स वगैरह के तुम्हें हुक वगैरह जैसे कुछ बनाना है टांगने के लिए सीधा, तो उसके लिए या बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बस मतलब ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऐसे करके यूज हो जाता है। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या चीज बनाने के लिए कैसे यूज कर रहे हो टूल को। जैसे बैंड मैं स्टिचेस बनाने के लिए सर वैसे भी नहीं कि दूसरे तरीके से भी यूज करा था, अभी स्टिच बना दी थी बिना करो के। तो तुम पे डिपेंड करता है वो टूल तुम कितने उस पे यूज कर सकते हो कितना उसका। जाओ फिर से बना दो और एक लास्ट का बना दो, ठीक है यहाँ कर दो 2000। एफएक्स में जाओ प्ले और क्रैश, माया फिर से डालना पड़ेगा मेरे को, भगवान माया खुल गया। And cloth, दो पकड़ो इस ऑप्शन से यहाँ आ गया, हर बार कौन बोले फिर से लास्ट का बना रहा है, ठीक है कंट्रोल एस कर लिया बार बार क्रैश, माय कंप्यूटर डी पेंग कर दी, सेव एफएक्स प्ले करो लटक गया, यहाँ कर दो इसे 1000 करो इसे पकड़ो। अब इन्हें इनसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ये पकड़ो कैसे भी सेट करना है वैसे कर लो, इसे पकड़ो थोड़ा सा और इसे पकड़ो इधर, इसे पकड़ो इधर, फिर यहाँ जाओ कंट्रोल ए, क्लोथ की प्रॉपर्टी आ रही है, डायनेमिक में जाओ यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रेच, यहाँ से कितना स्ट्रेच होगा ये थोड़ा सा बढ़ा दो, इतना ना हो, देख रहे हो वो और पास आता जा रहा है, पहले लटक रहा था ना ज्यादा, ये बढ़ा दोगे तो वो पास आ जाएगा, इतना रख लो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, अब ये ऐसे करके भी टांग मतलब जो भी करना है ये ऐसे टंगे हुए हैं जो भी है,